नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज हम साहब कबीर के जन्मोत्सव पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार साहब कबीर ने अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ों को हिलाने का काम किया। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में एक नई सामाजिक चेतना का उदय किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व संत साहब कबीर की। साहब कबीर का जन्म 1500 ईस्वी के लगभग माना जाता है और उस समय समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं जो व्याप्त थी, साहब कबीर ने अपने वाणी के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। साहब कबीर ने अनेक वाणियां लिखी और वो एक अच्छे कवि भी थे। उनकी वाणियों की बात करें तो साहब कबीर ने जो दोहे लिखे उनमें से उनके जो मुख्य दोहे हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तांते तो चक्की बली जिसे पीस खावे संसार। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नन्यारा। इससे स्पष्ट है कि साहब कबीर धर्म निरपेक्ष व्यक्तित्व के धनी थे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, वो सभी को एक समान नज़र से देखते थे। यानी हम कह सकते हैं कि साहब कबीर ने किसी भी धर्म के बारे में लिखा है तो वो ये लिखा है कि सभी धर्म एक है, किसी में भी कोई भी मतभेद नहीं है। साहब कबीर ने अनेक प्रकार के जो दोहे और लिखे उनमें से है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त कर रखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, सील की भावना होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व और व्यवहार बिल्कुल सही होना चाहिए, वही व्यक्ति पढ़ा लिखा है। इससे स्पष्ट है कि साहब कबीर ने अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ों को हिलाने का काम किया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य रहा आज का समाज का। आज हम देखते हैं साहब कबीर के नाम पर बड़े बड़े भंडारे चलाए जाते हैं, बड़े बड़े लंगर चलाए जाते हैं और बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर साहब कबीर के नाम पर दलिया और खिचड़ी खिला करके उनके विचारों को कुचलने का काम किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी के नाम पर एक बहुत बड़ा हम ढोंग कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि साहब कबीर के नाम पर लोग जो है भीड़ जुटा करके पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं और इससे साहब कबीर के जो विचार हैं, उनकी जो विचारधारा है, वही कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया गया है। आज के समाज में अगर साहब कबीर जैसे एक बहुत अच्छे कवि और एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे मार्गदर्शन की आज देश को ज़रूरत है, जो देश को एक सही दिशा में ले जा सके, समाज का, देश का एक सटीक मार्गदर्शन कर सके, वो समाज में आज भी कमी है। आज में कमी ये है कि समाज आज भी अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से घिरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य का विवेक, उसकी सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल शून्य हो गई है। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल द ग्राउंड नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ज़मीनी सतर की आवाज़ है, जो ज़मीनी सतर की सच्चाई है, वो हर पल हर समय आपको मिलती रहे। बहुत बहुत